गंभीर बीमारी की चपेट में फंसते जा रहे हैं देश के युवा। युवाओं के जीवन में अंधेरा घोल देता है डिप्रेशन। बड़े शहरों की चकाचौंध भरी लाइफ में हर तरफ मौज मस्ती का आलम है, लेकिन फिर भी युवा कम उम्र से ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अक्सर यह सुनने और देखने को मिलता है कि युवा पीढ़ी डिप्रेशन में रहती है, जिसकी वजह से वे हर वक्त मानसिक तनाव और चिंता में रहते हैं। आज 100 में से 40% व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। देश की करीब 100% आबादी से जूझ रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा व टीनेजर ही शामिल हैं। विशेषज्ञ के अनुसार अकेलापन, बेरोजगारी, मनमाफिक जॉब ना मिलना और काम में अधिक बोझ होना युवा को डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है। अधिकतर युवा अकेलापन, टूटे व अकल परिवार या पारिवारिक अलगाव, शिक्षा, रोजगार आदि कारणों की वजह से डिप्रेशन में घिरते जा रहे हैं। शहरों की व्यस्त जिंदगी में परिवार वालों के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अकेलापन लोगों पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे वे व्यक्ति बाहरी दुनिया से दूर रहने लगता है और अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता। यह स्थिति व्यक्ति को डिप्रेशन के स्टेज पर पहुंचा देती है, जिसके बाद स्थिति में लोग शराब, अफीम या अन्य किसी नशे का अपना दोस्त बना लेते हैं और एक ऐसी मानसिकता आ जाती है जिससे वे सामान्य भाषा में विक्षिप्त या पागलपन का शिकार हो जाते हैं। शहर में बड़ी संख्या में लोग अलग अलग कारणों से इस दिक्कत से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञ के अनुसार इसके कोई खास लक्षण न होने से खुद पेशेंट भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाता। शहर में बड़ी संख्या में लोग अलग अलग कारणों से इस दिक्कत से जूझ रहे हैं। अभिभावकों के नौकरी पेशा होने से वह बच्चों व परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। आज के दौर में परिवार सीमित हो रहे हैं, एक छोटे से दायरे में सिमट रहे हैं और उस पर फोन, इंटरनेट पर चिपके रहना जीवन शैली बन जाए तो फिर भीड़ में अकेलापन का एहसास होना लाजमी है। तो क्या होता है तनाव? तनाव से उपज रही है कई बीमारी। यूं तो मनुष्य का उदास या निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये एहसास काफी लंबे समय तक बना रहे तो समझ जाइए कि वो तनाव की स्थिति में है। यह एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उससे अपना जीवन नीरस, खाली खाली और दुखों से भरा लगता है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कारणों से तनाव हो सकता है। किसी बात या काम का अत्यधिक दबाव लेने से ये समस्या पैदा हो जाती है। डॉक्टरों के अनुसार तनाव अपने आप में बड़ा रोग है। कई बार तनावग्रस्त व्यक्ति आवेश में आकर सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेता है। तनाव से अनिद्रा, हृदय रोग और माइग्रेन, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन जैसी दिक्कत हो जाती है। डिप्रेशन पर कैसे नियंत्रण पाएं? डिप्रेशन और अकेलापन को दूर करने के लिए आप वर्किंग शेड्यूल में भी परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताएं, काम के साथ रिलैक्स भी करें, नियमित व्यायाम करें, अध्यात्मक चर्चा करें, सकारात्मक सोच रखें, अपने काम को व्यर्थता क्रम में बांटें और एक समय में बस एक ही काम करें। जब कभी किसी स्ट्रेस महसूस हो, एक गहरी सांस लें, अपना हर काम प्लानिंग से करें, कहीं बाहर जाकर छुट्टियां मनाएं। यदि किसी बात को लेकर डिप्रेस्ड हैं और किसी को बता नहीं सकते तो उसे डायरी में लिखें।